इस चीज को अगर आप अपने मिर्ची के पौधे में इस तरीके से प्रयोग करेंगे, जो मिर्ची के पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी जड़ के आसपास इसको इस तरीके से डाल देंगे और ऊपर से पानी डाल देंगे, तो आपके मिर्ची के पौधे के जो फूल वगैरह गिरते हैं, कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि हमारे जो पौधे में, पौधा तो बहुत हरा भरा हो रहा है लेकिन जो मिर्ची का पौधा है उसमें फूल भी बहुत आ रहे हैं लेकिन फूल झड़ जाते हैं, तो आज मैं आपको पूरी बताऊंगा एक चीज है क्या और जिससे आपके पौधे में कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, जिससे कि आपके पौधे की में इस तरीके से मिर्च आएंगी। ये देखिए मेरे पौधे में देखिए कितनी मिर्च आ रही है, पूरा मिर्च से भरा हुआ है। एक ही पौधे में कम से कम 3 से 4 किलो मिर्चे हैं, ये देखिए। और पौधा भी पूरा स्वस्थ है, हरा भरा है। पौधा स्वस्थ रहेगा तभी उसमें जो फूल है अच्छे रहेंगे और उसमें फूल जो है फल में कन्वर्ट होंगे, मतलब उसमें मिर्च बहुत सारी लगेंगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि कई चीजें ऐसी मैं बताऊंगा आपको कि मिर्च के पौधे में अप्लाई करेंगे तो जिससे कि आपके पौधे में भी खूब सारी मिर्च लगेंगी और पौधा मिर्च से भर जाएगा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर करें। मिर्च का पौधा अगर आपने गमले में लगाया है तब भी उसमें आप भरपूर मात्रा में मिर्ची ले लेंगे, और अगर आप ग्रो बैग में लगाते हैं इस तरीके से, देखिए जैसे मैंने ग्रो बैग में लगाया है, ये 24x24 का ग्रो बैग है, इसी में मैंने अदरक भी लगाया है, देखिए अदरक लगाया और एक पेड़ मिर्च का लगाया है। ये एक पेड़ ही इतना अच्छा हो रखा है कि इसमें बहुत सारी मिर्च लगी हुई है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि मिर्च के पौधे से ज्यादा मिर्च कैसे लेते हैं। सबसे पहले जो मिर्च का पौधा है आप गमले में लगा रहे हैं, उसमें जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके ना। पानी रुकेगा तो आपके पौधे की जितने फूल बनेंगे वो सब झड़ जाएंगे। मेन कारण यही रहता है कि पानी जो ज्यादा हो जाता है पौधे में और वो धूप में नहीं है तब भी उसमें फूल गिर जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप मिर्ची के पौधे में पानी डालते हैं, ये बरसात का सीजन है, इसमें पानी अगर ज्यादा रुकेगा तब आपके जो फूल, जितने मिर्ची के पौधे में फूल लगे होंगे वो सब गिर जाएंगे। उसमें पानी, जब फूल आते हैं तो उसमें पानी की मात्रा सीमित रखनी है, इतनी रखनी है कि खाली मॉइस्चर रहे मिट्टी में, हल्का सा मॉइस्चर रहे, और जो मिट्टी में ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी भरा हुआ है, पानी भरा होगा तो तब भी इसमें जो फूल गिर जाते हैं। दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगा मिर्ची के पौधे में फूल जो गिरते हैं, ये अगर आपका धूप में नहीं है पौधा, आपका छाया में लगाया कहीं, तब भी इसके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि पौधे में अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा, धूप से जो है क्लोरोफिल बनता है, तभी इसकी पत्तियां भी अच्छी रहती हैं और तभी इसमें जो फूल हैं वो गिरते नहीं है, उससे फूलों जितने भी आएंगे आपके वो सब फल में कन्वर्ट होंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, उससे पहले देखिए मैंने एक पौधा और लगा रखा है, ये भी ड्रम में लगाया हुआ है, देखिए एक पौधा और है, इसमें भी अच्छी मिर्ची हो रही है इसमें, लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे, ये मिर्च कुछ गिरी हुई है नीचे, ये देखिए ये सब गल गए हैं, ये कारण वही है पानी होने का। ये मिर्ची जो गिरती है ये सड़ जाती है, ये पानी ज्यादा हो जाएगा तो तब भी मिर्ची गिर जाती है, बरसात में पानी इसमें ज्यादा हो गया तो इसमें जितनी मिर्ची लगी थी उतनी पूरी रुक नहीं पाई, सब गिर गई है पानी की वजह से, ये देखिए। लेकिन इसमें मिर्ची फिर भी आ रही है, बढ़िया हो रहा है पौधा और फूल आ ही रहे हैं, लेकिन लगातार फूल आ रहे हैं। तो आज ये जो मिर्ची के पौधे में अप्लाई करना है आपने, सबसे पहले जो मिर्ची के पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो आप देखते होंगे, आपके पत्तियां जो हैं खराब हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ये मेरे पौधे में जो पत्तियां हैं वो सब सही हैं, लेकिन इसमें एक कारण ये रहता है, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखेंगे आप नज़दीक से, देखिए ये कीड़े लगे हुए हैं, ये है मिली बग भी लग जाता है, उसकी वजह से भी जो है फूल गिर जाते हैं, पौधा खराब होने की स्थिति में आ जाता है। ये जो है ये पौधे के जो स्टेम होती है या पत्ते होते हैं उसके रस को चूसते रहते हैं और इसी में अंडे भी देते हैं, जिससे कि आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो खराब हो जाती हैं और धीरे धीरे आपका पौधा खराब होने की स्थिति में आ जाता है। तो इसके लिए क्या अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो आप इसके लिए देखेंगे, आप जो मिट्टी जो बनाते हैं उसको वेल ड्रेन जरूर बनाएं। मेन कारण जो होता है, अगर पौधा स्वस्थ रखना है आपको तो वेल ड्रेन मिट्टी जरूर बनाए, तभी आपका जो पौधा है स्वस्थ रहेगा, उसमें पानी रुके ना, मेन कारण पानी रुकने का ही बता रहा हूँ मैं आपको। पानी रुकेगा तो आपका पौधा शुरू से ही जो है खराब स्थिति में होने लग जाएगा। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ क्या कारण है इसका। पौधा जो है आप देखते होगे, आपका पौधा अगर जैसे पत्तियां इसकी मुड़ रही हैं या पत्तियां खराब हो रही हैं तो उसका कारण होता है मरोड़िया रोग होता है, उसमें एक कीट होता है जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसके नीचे लग जाता है,
धीरे धीरे जो है पौधे की जो प्रोटीन वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह जो मिलता है पौधे को, जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको धीरे धीरे चूसते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका पौधे की पत्तियां सब खराब होने लग जाती हैं और पौधा बिल्कुल एक इकट्ठा हो जाता है, मतलब बिल्कुल मुड़े हुए पत्ते हो जाते हैं उसके। तो उसके लिए मैं आपको क्या अप्लाई करना है वो बताता हूँ। उसके लिए आप क्या करना है, आपने ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेन चीज जिससे कि आपके जो पौधे की जो पत्तियां मुड़ती हैं, मरोड़िया रोग होता है और फूल गिरने लग जाते हैं, ये आप अप्लाई करेंगे इसमें। ये है मट्ठा, जो मट्ठा जो दही होता है उसका जो पानी वगैरह जो बचता है दही का, आप उसको 2-3 दिन रख देंगे। दही भी डाल सकते हैं, दही को थोड़ा सा फर्मेंटेशन के लिए थोड़ा सा 2-3 दिन उसको रखना है, जिससे कि उसमें जो है प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिससे कि आपके पौधे के लिए वो बन जाएगा, पेस्टिसाइड कहते हैं इसको एक प्रकार का। ये होता है मट्ठा। मट्ठा जो होता है उसको आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में इस मट्ठे को कम से कम 25% पानी का, 25% ये देखिए इस प्रकार से मिला देना है। ये आपने मिला दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो पानी का जो स्प्रेयर होता है उसमें डाल देना है, पानी के स्प्रेयर में डाल के इसका स्प्रे करना है पौधे में, इसका स्प्रे करना है आपने पौधे में इस तरीके से पूरा, ये देखिए ऐसे ऊपर नीचे सब लगाकर इसको आपने अप्लाई करना है। हर 8-10 दिन में इसको अप्लाई करते रहेंगे पूरे पौधे में। इससे क्या होता है, जो मरोड़िया रोग में जो कीड़े लगते हैं, जो जो पौधे की पत्तियों के नीचे लगते हैं, वहां भी इसको अप्लाई कर देना अच्छे से, जिससे कि ये देखिए जो कीड़े लगे हैं इनमें भी इसको अप्लाई करिए। 2-3 दिन में देखेंगे आप पौधा आपका थोड़ा स्वस्थ हो गया है। अगर ज्यादा ही अगर हो गया है तो उसकी गारंटी नहीं देता हूँ कि मेरे को सही हो जाएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग हो रही है आपके पौधे में मरोड़िया रोग की तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि मट्ठे में ऐसे तत्व होते हैं जो जो इसमें कीट लगते हैं मरोड़िया रोग के, उनको सबको गिरा देगा और दोबारा लगने नहीं देगा। इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर दीजिए अपने पौधे में, इससे आपके पौधा स्वस्थ भी होगा, हर 10 दिन में करना है और जो फूल है वो गिरेंगे भी नहीं। तो एक तो ये अप्लाई करना आपने। दूसरा, आपने जब मिट्टी बनाते हैं इसकी या जब भी आप खाद देते हैं, आप मिट्टी में गोबर की खाद जरूर दीजिए, गोबर की खाद ही मेन होती है पौधे के लिए। उसके बाद जो आप ये देखिए ये अप्लाई करना है इसमें, ये क्या होता है, ये अंडे के छिलके हैं, इससे पौधे की जो कैल्शियम की कमी होती है वो दूर होती है। ये अंडे के छिलकों को आपको बिल्कुल बारीक बना देना है इस तरीके से, और जब पौधे में आप खाद देते हैं तो उस समय आपको उसकी मिट्टी में इस तरीके से इसको मिला देना है, जिससे कि आपके पौधे की जो स्टेम होगी, जो स्टेम अगर सही रहेगी तो पौधा भी स्वस्थ रहेगा। ये देखिए मेरे पौधे में जो स्टेम है कितनी मोटी हो रही है, और कितने 3 स्टेम निकल लेगी इसमें, और देखिए कितना स्वस्थ हो रहा है पौधा। इस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे, इससे कैल्शियम की कमी दूर पूरी होगी आपके पौधे की, और पौधा जो है अगर सीधा खड़ा रहेगा तभी इसमें जो है अच्छी मिर्च आएंगी। अगर पौधे की स्टेम ही यहाँ से गलने लग गई है तो अब पौधा ही पूरा खराब हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप अंडे के छिलके का प्रयोग भी कर सकते हैं अपने पौधे में। अगर आप अंडे के छिलके का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं कैल्शियम के लिए, तो आप जो चौक आती है, चौक जो जिससे स्लेट वगैरह में लिखते हैं, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक चौक तक चौक का टुकड़ा आप इसमें डाल दीजिए, 1 महीने बाद दूसरी चौक फिर दोबारा डाल सकते हैं इसमें, उससे इसकी जो है स्टेम सही रहेगी। इस तरीके से आप इसका यूज करें। और एक चीज और बताऊंगा आपको, खास चीज है जो फूल आते हैं, फूल गिरते हैं उसका एक कारण और होता है, इसमें जो है पोटेशियम की कमी होती है। पोटेशियम की कमी पूरी करने के लिए मैं आपको एक घरेलू चीज बताऊंगा, वो है घरेलू चीज ये है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख या कंडे की राख, कोई भी आप लकड़ी की राख भी यूज कर सकते हैं या कंडे की राख, इसको आप स्टोर करके रख लीजिए इस तरीके से। और इससे इसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। जब आपके पौधे में फूल आने स्टार्ट हो जाएं तो आप इसको भी इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए, एक तरीका यह है इसको, और ऊपर से इसमें पानी डाल दीजिए। इससे क्या होता है, पोटेशियम की कमी दूर हो जाती है आपके पौधे में, और उसमें भरपूर मात्रा में फूल भी खिलते हैं, और फूल जितने हैं वो सब फल में कन्वर्ट होते हैं। इस तरीके से आप पौधा जितना आपका पॉट जितना बड़ा है उस हिसाब से यूज करिए। अगर आपका गमला है 10-12 इंच का तो 1 मुट्ठी से हो जाएगा आपका, 1 मुट्ठी डालेंगे इसमें, तो उससे ही आपका पौधे में अच्छी ग्रोथ होने लग जाएगी। और दूसरा तरीका एक और है,
इसको इस तरीके से आप पानी में डाल दीजिए। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1-2 मुट्ठी आप राख डालिए। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है ऑर्गेनिक चीज़ है, केमिकल वाली चीज़ नहीं है, जिससे कि आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए 1-2 मुट्ठी से तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं आप। इस तरीके से आप अपने पौधे की देख रेख करिए। स्टार्टिंग से जब भी आप पौधा लगाते हैं तो उसमें इन तरीकों को अपनाएं, उसके बाद देखना, आप 100% गारंटी देता हूँ कि आपके पौधे में इस प्रकार से ही मिर्च आएंगी। दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप इसको शेयर करेंगे तो, और क्योंकि शेयर करेंगे तभी जो कई लोग कहते हैं हमारी मिर्च के पौधे में मिर्च गिर रही हैं, तो उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।